हेलो एवरीवन, देखते हैं आज का डिवाइन संदेश आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में। इस शफल डेक से हम लेंगे एक कार्ड और देखते हैं क्या आया है। कनेक्ट विद नेचर, आपको कहा जा रहा है कि आपको मदर नेचर के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। मदर नेचर में इतनी पावर है कि वो आपको हील कर सकती है। हर एक जीव को हील किया जा सकता है मदर नेचर के द्वारा। आपका पेट भी नेचर भरती है, आप का जन्म भी होता है तो इस नेचर में ही होता है। आप शरीर का त्याग भी करते हैं, आपको फिर अपनाती है, अपने गोद में लेती है तो भी मदर नेचर लेती है। तो प्रकृति को माँ कहा जाता है और माँ का जो स्थान है, माँ का जो दर्जा है वो सबसे ऊपर है। आपको कहा जा रहा है कि आप बाहर टहलिए, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा सप्रेस्ड इमोशंस हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है आपकी, कभी बहुत ज्यादा हाई है कभी बहुत ज्यादा लो है, पार्क में टहलिए, बाहर पेट्स के साथ इन्वॉल्व हो जाइए, एनिमल्स को फीड कराइए, लोगों की मदद कीजिए, पेड़ पौधों के साथ समय बिताइए, कुछ नहीं तो प्लांट्स लेकर रख लीजिए, अगर आप ऑलरेडी हैं रखते हैं तो उनकी केयर कीजिए। हर एक वाइब्रेशन जो भी नेगेटिव आपके अंदर बन रही है, जिस फ्रीक्वेंसी पे आपकी वाइब्रेशन वाइब्रेट हो रही है ना, वो चीजें रिलीज होंगी, हील होंगी, नई चीजों, नए थॉट प्रोसेस के साथ में, नई एनर्जीज के साथ में रिप्लेस होगी आपकी वाइब्रेशन। ठीक है, तो अपने आप को हील करने की इस वक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ब्लॉकेजेस के अंदर आपको हीलिंग नहीं पहुंच सकती। आप जितना ज्यादा खुद को हील करेंगे, एक तो कीजिए सरेंडर कि जो होगा आपके हक में होगा, सबसे पहले आप हैं, ठीक है। दूसरा, मदर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए, कुछ भी ना सोच कर शून्य हो जाना सबसे अच्छा है। चीजों के जवाब, सवालों के जवाब आपके खुद पर खुद मिलेंगे, आपके ब्लॉकेजेस खुद हील होंगे। आप अपने आप को बैलेंस रखिए, टाइम स्पेंड कीजिए नेचर के साथ में, हेल्दी डाइट को फॉलो कीजिए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए, सहारा बनिए, मदर नेचर की वाइब्रेशंस को हाई कीजिए। मदर नेचर के बच्चों के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, वॉइसलेस लोगों के साथ में, वॉइसलेस एनिमल्स के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। यू विल फील लविंग, यू विल फील केयरिंग, आपको समझ में आएगा कि यार एक मैं हूं जो रो रहा हूं या रो रही हूं जबरदस्ती, मेरी लाइफ से ज्यादा बाहर निकल के देखा तो और लोग परेशान हैं, तो क्या मैं परेशान हूं ठीक कर रहा हूं, जबकि मेरे दुख से कई गुना बड़ा दुख बाहर है। आपको समझ में आएगा कि सिर्फ आप अकेले नहीं है, आपसे ज्यादा भी परेशान लोग हैं। जब वो सबर करके आगे बढ़ सकते हैं तो आपके अंदर सबर क्यों नहीं आ सकता, आप क्यों अपनी वाइब्रेशन को हाई नहीं कर सकते। तो सीखने की जरूरत है, नेचर में जब भी कोई पेड़ काटा जाता है तो उसकी जड़ें फिर से इतनी मजबूत होती है ना, फिर से वो पौधा उगने लगता है, जो क्या दर्शाता है कि जहां पे चीजें खत्म हो गई, संभावना ही खत्म हो गई, वहां पर फिर नई पॉसिबिलिटीज एक नए जर्मिनेशन के साथ जन्म ले लेती है। बहुत सारे थॉट प्रोसेस, बहुत सारे नए नए आइडियाज आपको क्लिक हो सकते हैं। तो अपने आप को हील करिए, हील करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप हील्ड नहीं है, चीजें आकर भी चली जाएंगी, आप ना देख पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना आप समझ पाएंगे। तो हमेशा अपने आप को हील रखिए, मदर नेचर के साथ आपकी कॉलिंग है कि आप टाइम स्पेंड करें, ज्यादा से ज्यादा नंगे पैर घास पर चल सकते हैं, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपकी लाइफ से आधा स्ट्रेस तो गायब हो जाएगा और आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आएंगे। सो गाइज, ये थी आज की डिवाइन गाइडेंस, होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।